अरे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो मैं आपके सामने आज नया चैप्टर, नया सबक लेकर क्लास 5th 4th की जो आपकी इंग्लिश है उसको लेकर फिर एक बार आपके सामने हाजिर हूँ। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम एक पोएम पढ़ने जा रहे हैं जिसका टाइटल है, नाम है द ब्लाइंड बॉय, यानी कि अंधा लड़का। तो ये लिखी है कोली सिबर जो है, उन्होंने लिखी है ये पोएम। तो जैसा कि बच्चों आप जानते हैं कि हम दुनिया की तमाम चीज़ें जो हैं पढ़ते हैं, लिखते हैं, खेलते हैं या काम करते हैं, तो ये किससे करते हैं? जब हमारे पास अल्लाह ने एक बेहतरीन नियामत दी है, एक अच्छी नियामत दी है, वो हमारी आँखें हैं। तो यहाँ पे एक बच्चे की कहानी बयान की है कोली सिबर ने। तो यहाँ पे ये दिखाया जा रहा है कि जिसके पास ये इतनी बड़ी और अजीम नियामत नहीं है, यानी कि आँखों की रोशनी, लाइट, साइट, तो इस तरह से वो किन किन मुसीबतों से, किन किन परेशानियों से गुजरता है और उनकी उसकी ज़िंदगी में क्या क्या मुश्किलात रहती हैं। तो इसको हम पोएम को हम पढ़ेंगे। तो ये जो पोएम है, ब्लाइंड ओह से व्हाट इज़ दैट थिंग कॉल्ड लाइट, अरे क्या बताऊँ वो क्या चीज़ है जिसको रोशनी कहते हैं, लाइट कहते हैं। ये बच्चा कहता है, विच आई कैन नेवर इन्जॉय, जिससे कि मैं कभी लुत्फ़ानंदोज़ इन्जॉय न कर सका, जिससे मैं कभी लुत्फ़ानंदोज़ ना हो सका, यानी कि रोशनी से, अरे क्या बताऊँ वो क्या चीज़ है जिसे रोशनी कहते हैं, जिससे मैं कभी लुत्फ़ानंदोज़ ना हो सका, विच आई कैन नेवर इन्जॉय। वट इज़ द ब्लेसिंग ऑफ साइट, बिनाई के, रोशनी के, देखने के क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या उसकी नियामत है, क्या क्या उसके अल्लाह ने उसको कितनी बड़ी हमें नियामत दी है। ओह टेल यू पुअर ब्लाइंड, ये बताएगा आपको ये गरीब अंधा लड़का। यू टॉक ऑफ वंडरफुल थिंग्स यू सी, आप वंडरफुल हैरतअंगेज चीज़ों के बारे में बात करते हैं जो आप देखते हैं। यू टॉक ऑफ वंडरफुल थिंग्स यू सी, आप देखते हो आप उन चीज़ों का बात है जो हैरतअंगेज चीज़ें हैं जो आप आसपास देखते हो। यू से द सन शाइन इज़ ब्राइट, आप ये कहते हो कि सूरज जो है ये चमकता है बहुत ही ब्राइट। आई फील हिम वार्म, मुझे नहीं पता है वो चमकता है या नहीं चमकता है क्योंकि मेरे पास रोशनी नहीं है। तो आई फील हिम वार्म, मैं सिर्फ उसकी गर्मी को महसूस कर सकता हूँ। बट हाउ कैन ही, लेकिन वो कैसा है? देन मेक इट डे और नाइट, और फिर इसी पे अपना दिन और रात बनाता हूँ। फिर माई डे और नाइट माई सेल्फ आई मेक, मैं अपना दिन और अपनी रात मैं खुद अपने आप बनाता हूँ। वेन एवर आई स्लीप और प्ले, जब मैं सोता हूँ तो मेरे लिए वो रात होती है, और जब मैं खेलता हूँ तो मैं अपने दिन रात, मेरे लिए दिन और रात एक जैसे है, मैं अपने दिन रात खुद बनाता हूँ। एंड आई कुड एवर कीप अवेक विद मी इट वायर ऑलवेज अ डे, एंड आई कुड एवर कीप अवेक, और जब मैं अपने आप को होशियार रखता हूँ विद मी, अपने साथ, इट वायर ऑलवेज डे, उस वक्त हमेशा ये मेरे लिए दिन होता है। विद हैवी साहस आई ऑफन हियर, अच्छा मैं बड़ी सिसकियों के साथ हमेशा सुनता हूँ। यू मारन माई हेपलेस बो, आप मेरी इस बेबसी पे जितना मातम करो कम है। बट श्योर विद पेशेंस आई एम मे बियर, लेकिन बड़ी ही बर्दाश्त से मैं सब कुछ ये बर्दाश्त करता हूँ। ए लॉस आई नेवर नो, वो एक नुकसान जिसको मैं कभी जानता नहीं हूँ। देन लेट नॉट वट आई कैन नॉट हैव माई चीयर ऑफ माइंड डिस्ट्रॉय, माई चीयर ऑफ माइंड, मेरी जो खुशियां हैं, ये कहते हैं मेरे दिमाग में जो खुशियां हैं सारी तबाह हो चुकी हैं। फिर कहता है, लिस्ट दस आई सिंग आई एम ए किंग ऑल दो ए पुअर ब्लाइंड बॉय,
अब ये कहता है कि अगरचे क्या अगरचे मैं मेरे पास मुझे इतनी परेशानी है कि मेरे पास मैं किसी खुशी को महसूस नहीं कर सकता हूँ, फिर भी उसके बावरकस भी मैं गाता हूँ और मैं एक बादशाह हूँ, मैं अपने आप को एक बादशाह समझता हूँ। अगरचे मैं एक गरीब अंधा लड़का हूँ, लेकिन मैं इसके बावजूद भी बहुत खुश हूँ और मैं गाता हूँ, और मैं अगरचे मेरी सारी जो खुशियाँ हैं वो सारी की सारी ये है वो सारी तबाह हो चुकी है, लेकिन फिर भी मैं गाता हूँ, खुश हूँ, जब मैं एक बादशाह अपने आप को समझता हूँ, अगरचे मैं एक गरीब लड़का हूँ। तो ये आपकी आज की पोएम थी, बाकी इंशाल्लाह फिर पढ़ेंगे। बाकी वसलाम। तो ये आगे न्यू वर्ड्स हैं, इंशाल्लाह इसको फिर अगली बार करेंगे। बाकी